हेलो बच्चों, मैं हूं सचिन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां हम सीख रहे हैं क्यू बेसिक। और बच्चों, आज क्यू बेसिक में हम सर्कल कमांड के मदद से 3 कोसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे डिफरेंट कलर का, ठीक है, अलग अलग कलर का, ठीक है। बॉर्डर कलर चेंज होगा इसका, सर्कल के अंदर का कलर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLS और उसके बाद स्क्रीन मोड सेट कर लेते हैं हम लोग screen 1। और देन अब हम लोग कलर कोड के मदद से कलर भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 दे देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ। फिर उसके बाद अब सर्कल कमांड का मदद से हम लोग सर्कल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सर्कल लिखा जाता है, फिर कॉलम और रो देना होता है। तो यहाँ पर मैं कॉलम देता हूँ 160 और यहाँ पर मैं रो दे रहा हूँ 100। और उसके बाद में फिर रेडियस देना होता है, तो मैं यहाँ पर 25 दे रहा हूँ रेडियस और इसका कलर मैं दे रहा हूँ 2। अभी मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। F5 दबाऊंगा तो देखिए इस प्रकार से सर्कल बनेगा हमारा एक। अब फिर और एक सर्कल बनाना है जो कि इससे बड़ा सर्कल बने, तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्कल और अंदर में अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा, मतलब जो कॉलम था वो मैं वही रखूँगा 160 और 100, ठीक है। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस का साइज बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि लोकेशन जो रहेगा वही होगा बट रेडियस का साइड बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे एक सर्कल और बनेगा हमारा। अभी मैं F5 करके दिखाता हूँ, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में फिर एक सर्कल और बनाएंगे हम लोग यहाँ पे CIRCLE सर्कल। देन ये यहाँ पे भी जो लोकेशन रहेगा हमारा वही रहेगा और फिर कॉमा और उसके बाद, मतलब लोकेशन वही रहेगा तो कॉलम और रो वही रहेगा हमारा, बस यहाँ पे रेडियस में डबल कर दे रहा हूँ। मतलब इससे प्रीवियस जो सर्कल हम लोग बनाए थे 50 रखे थे रेडियस, अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ 100 कर दे रहा हूँ। और इसका जो कलर कोड रहेगा मैं 3 दे दे रहा हूँ यहाँ पे 3। और फिर जिस तरह से एंड करते एंड कर दीजिएगा और जो हमारा आउटपुट रहेगा देखिए इस प्रकार से सर्कल नजर आ रहा होगा और ये है हमारा कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।